स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में, और ये वीडियो उन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगी जहां पे आपके GK से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो SSC CGL और भी जो हाई लेवल के एग्जाम हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए बिना देर किए ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। देखिए, आपको इस वीडियो के बारे में बता दें, इस वीडियो में हम पूरी तरह राष्ट्रपति को कवर करेंगे, मतलब कि राष्ट्रपति की नियुक्ति या फिर राष्ट्रपति से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका कार्यकाल, वेतन, भत्ता, महाभियोग, सब कुछ। और इस वीडियो के लास्ट में उन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, यानी कि आपको एक ही वीडियो में क्वेश्चन के साथ साथ आपका एक थियोरी भी कम्प्लीट हो जाएगी। यहाँ पे इसका जो लेवल होगा ये हाई लेवल का होगा, यानी कि आप SSC CGL तक के एग्जाम के लिए इसको पढ़ सकते हैं। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। सबसे पहले बात करें कि संसद, संसद होती क्या है। संसद जिसको कि हम इंग्लिश में पार्लियामेंट बोलते हैं। तो देखिए, जो संसद होती है ये तीन चीजों से मिलकर बनी होती है, जिसमें से पहला होता है लोकसभा, जिसमें कि 552 लोग हैं, या फिर इसे आप 550 कह सकते हैं। दूसरा है राज्यसभा, जिसमें कि 250 लोग हैं और एक है राष्ट्रपति। तो इन तीन लोगों को मिल करके एक संसद बनती है, इन तीन लोगों को मिला करके। तो हमने लोकसभा और राज्यसभा के लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में, तो ये कंप्लीट वीडियो होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर राष्ट्रपति के बारे में आपको बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि चूंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का हिस्सा होता है, जो कार्यपालिका होती है केंद्रीय कार्यपालिका, उसका प्रेसिडेंट भी एक हिस्सा होते हैं, इसलिए जो आपका संविधान है उसके भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेके 78 के बीच में ये बताया गया है कि जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं ये केंद्रीय कार्यपालिका के भाग होंगे। मतलब आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में किस भाग में बताया गया है, तो यह है भाग 5। यहाँ पे देखिए, हम हर तरह के क्वेश्चन को कवर कर लेंगे जो भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कि ये राष्ट्रपति के बारे में, तो देखिए, जो राष्ट्रपति होता है ये कार्यपालिका का प्रधान होता है। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ये कार्यपालिका का प्रधान होता है। प्रधान होने का मतलब कि हेड, लेकिन ये औपचारिक प्रधान होते हैं, केवल औपचारिक प्रधान, ये वास्तविक प्रधान नहीं होते हैं, ये वास्तविक प्रधान नहीं होते हैं, केवल कहने के लिए है, ये केवल औपचारिक प्रधान है। वास्तविक और औपचारिक में क्या अंतर है ये समझिए। वास्तविक का मतलब ये है कि जिनके पास वास्तविक रूप से पावर है, औपचारिक का मतलब कि जिनके पास केवल कहने का पावर है। क्योंकि देखिए, अगर भारत सरकार किसी भी देश से कोई भी समझौता करती है, कोई भी युद्ध, शांति या कुछ भी, तो वहाँ पे वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। लेकिन वास्तव में पावरफुल कौन है, तो केंद्रीय कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट। क्योंकि राष्ट्रपति कोई भी काम बिना केंद्रीय कैबिनेट के अप्रूवल से नहीं कर सकते। जैसे कि अगर किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाना है, किसी की मौत की सजा को कम करना है, तो ये सब करने का अधिकार तो है राष्ट्रपति को, लेकिन वो बिना केंद्रीय कैबिनेट से पूछे इसको नहीं कर सकते हैं। तो ये है जो केंद्रीय कैबिनेट, इसके पास वास्तविक शक्ति है, और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये केवल एक औपचारिक प्रधान होते हैं। दरअसल 1975 से पहले यहाँ पे इनके पास कुछ शक्तियाँ होती थी, लेकिन 1976 में एक संविधान संशोधन के बाद इनकी शक्तियों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अनुच्छेद 52 है, मतलब कि जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 52 है, उसमें बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति होता है, तो ये होता है अनुच्छेद 52 के तहत। अनुच्छेद 53 में ये बताया गया है कि जो कार्यपालिका होगी इसका जो शक्ति होगा ये राष्ट्रपति में निहित होगा, मतलब कि इसके लिए अंतिम शक्ति राष्ट्रपति की होगी। देखिए, होता क्या है कि कोई भी बिल पहले लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाएगा, यहाँ दोनों जगह से अलग अलग पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, और जो ही उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं तो वहाँ पे तुरंत ये कानून बन जाता है। बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के ये कोई भी कानून नहीं बनता। तो ये अंतिम जो पावर होता है अनुच्छेद 53 के तहत, ये होता है भारत के राष्ट्रपति में। देखिए, यहाँ पे जो भी अनुच्छेद आपसे पूछे जाते हैं वो हम क्लियर करते रहेंगे, तो आपको इस वीडियो को केवल ध्यान से
देखना होगा। अब देखते हैं कि जो राष्ट्रपति बनते हैं लोग, उनकी योग्यता क्या होती है। मतलब कि अगर आप भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, ये देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो योग्यता है ये तो है कि ये भारत का नागरिक होना चाहिए। और राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में अगर बात करें तो ये बताया गया है आर्टिकल 58 में। आर्टिकल 58 में बताया गया है राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में, जिसमें से पहली योग्यता ये है कि ये भारत के नागरिक होने चाहिए, ये विदेशी नहीं हो सकते। और दूसरी योग्यता ये है कि ये 35 साल पूरा कर चुके हों, मतलब कि इनकी उम्र कम से कम 35 साल हो। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति के लिए मिनिमम उम्र क्या है, तो ये है 35 साल। 35 साल राज्यपाल के लिए भी होता है, तो हम राज्यपाल वाले में इसको देखेंगे। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो राज्यपाल होते हैं उनकी उम्र सीमा भी कम से कम 35 साल होती है, राष्ट्रपति के बराबर। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट योग्यता है कि ये लोकसभा के सदस्य चुने लायक होने चाहिए। मतलब कि लोकसभा का सदस्य चुनने के लिए जो जो योग्यता होती है, ये भी योग्यता इनमें होना जरूरी है। और चौथा है कि लाभ का पद नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। और ये जो लाभ का पद है ना, इसका कोई एग्जैक्ट फॉर्म मतलब कि उत्तर नहीं है, इसको समय समय पे चेंज किया गया है। तो लाभ का पद आप ये समझ सकते हैं कि कोई ऐसा पद जहाँ से उनको लाभ मिल रहा हो, खास करके गवर्नमेंट जॉब। तो ये चार जो होती हैं योग्यताएं, ये होती हैं राष्ट्रपति बनने के लिए। अगर इन चारों योग्यताओं को आप पूरा करते हैं तो आप जो राष्ट्रपति हैं उसके लिए मतलब इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, ये कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 के तहत बताया गया है कि जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव कैसे होगा, ये है अनुच्छेद 54। और जो इनमें जो सिस्टम लगता है, ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। मतलब इसमें क्या होता है कि संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मतलब कि संसद में क्या है, लोकसभा, इसके साथ राज्यसभा। तो इन दोनों में से जो भी लोग निर्वाचित हैं वो इसमें भाग लेंगे। और इसके अलावा जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, जो भी विधानसभा होती है जहाँ पे विधायक बैठते हैं, ये लोग भी इसमें भाग लेते हैं, जिनको हम MLA बोलते हैं। तो ये तीनों लोग मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और इनमें जो सिस्टम लगता है, ये होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। बस आप ये जानिए, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा प्रणाली यूज होता है, तो ये होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये आर्टिकल 54 के तहत बताया गया है। कौन कौन भाग लेता है ये हमने आपको यहाँ पे बता दिया। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो विधानसभा है उसको भी हम ऐड कर रहे थे, लेकिन 1992 से पहले जो दिल्ली है और पुडुचेरी पुडुचेरी इनको नहीं ऐड किया जाता था। क्यों नहीं ऐड किया जाता था, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनको ऐड करने के लिए 70वां संविधान संशोधन किया गया, और ये किया गया 1992 में। और इस संविधान संशोधन के बाद से जो दिल्ली और पुडुचेरी है, इनके विधायक भी उसमें भाग लेते हैं। आप देखेंगे कि इस समय जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो हमारे पास 9 यूनियन टेरिटरी हैं, लेकिन जब ये 1992 वाला संविधान संशोधन हुआ तो उस समय केवल 7 थी। तो उस समय के 7 में से केवल 2 ऐसी थी जिनके पास CM होता था, जिसमें से दिल्ली थी और पुडुचेरी। लेकिन आज जब 9 यूनियन टेरिटरी हो गई हैं, तो आज 3 CM वाले यूनियन टेरिटरी हो चुके हैं, जिसमें से दिल्ली होगा, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी विधानसभा होगी सबके विधायक भाग लेंगे, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो या फिर ना हो। तो ये होता है आर्टिकल 54 के तहत, ये आपको जरूर याद रखना है। और इसमें जो विधायक मतलब कि मतदान करने जाते हैं उनका मत मूल्य काउंट होता है। जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश के विधायक हैं, उनका जो मत मूल्य होगा 207 हो 8 होगा, और जो सिक्किम के विधायक हैं उनका मत मूल्य 7 होगा। कहने का मतलब ये है कि होता क्या है कि जितनी जनसंख्या होती है, वो विधायक जितने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उस हिसाब से उनके एक वोट का मूल्य
मिलता है। और अभी आपने यहाँ पे देखा, इसी को हम एकल संक्रमणीय प्रणाली कहते हैं। तो यहाँ पे एक वोट का मतलब एक नहीं होता है। अगर यूपी का एक विधायक है तो 208 होगा, सिक्किम का एक विधायक है तो 7 होगा। तो इस तरह वहाँ पे जो जनसंख्या है उसके अनुसार इसे मैनेज किया गया है। आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए एक चीज़ और ज़रूरी है कि किसी भी सदन से, मतलब कि लोकसभा या फिर राज्यसभा, इनमें से किसी में से आपका 50 जो सदस्य होने चाहिए वो प्रस्तावक होने चाहिए और 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। मतलब कि कम से कम 100 लोग आपके सपोर्ट में खड़े होने चाहिए जो आप पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं तभी। इसके अलावा जो आपसे जमानत राशि ली जाती है ये भी ली जाती है इसमें, क्योंकि ये हर जगह का नियम है। तो ये लिया जाता है 2500 रुपये, और बाद में इसे जमा करके बढ़ा करके अभी से कर दिया गया 15,000। बाद में इसे बढ़ा करके 15,000 कर दिया गया। तो यानी कि अगर आप यहाँ पे अपना चुनाव के लिए दाखिला करने जा रहे हैं तो आपको 25,000 रुपये यहाँ पर भी देना होता है। तो यहाँ पे होगा क्या कि कहीं कहीं ये भी हो सकता है कि चुनाव में कोई परेशानी आए और ये मामला कोर्ट पहुँच जाए। तो जो राष्ट्रपति होते हैं उनमें कोर्ट की जो कोर्ट होगा ये केवल सुप्रीम कोर्ट होगा। मतलब इसमें कोई भी विवाद होगा तो इसका निपटारा केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। उसके नीचे किसी भी कोर्ट में आप इसको लेके नहीं जा सकते। यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है राष्ट्रपति में कि एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, जितनी बार, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए होता क्या है कि अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, वो भी हर बार 4 साल के लिए। लेकिन भारत में एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, हर बार 5 साल के लिए। तो दोनों में ये डिफरेंस है और ये कई बार पूछा गया है। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे राष्ट्रपति के कार्यकाल एवं इनके त्याग पत्र के बारे में। इसके अलावा इसमें हम आपको बताएंगे पद त्याग के बारे में, यानी कि पद त्याग मतलब कि ये छोड़ दें या फिर इनको जबरदस्ती हटाया जाता है। तो देखिए ये बताया गया है आर्टिकल 365 के तहत। आर्टिकल 365 के तहत ये बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे ये अपनी 5 साल की अवधि पूरा करेंगे। 5 साल कब से? क्योंकि रिजल्ट आप देखेंगे कि रिजल्ट आता है उसके 10 दिन बाद ये शपथ लेते हैं। तो कब से? रिजल्ट से या फिर शपथ से? तो शपथ से। शपथ से मतलब कि जिस दिन वो अपना सीट ग्रहण कर रहे हैं तब से तब तक बने रहेंगे जब तक कि इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं आ जाता, मतलब कि 5 साल। इसके अलावा ये जब शपथ लेंगे तो इनको शपथ दिलाएंगे CJI, मतलब कि भारत के मुख्य न्यायाधीश। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे इनको शपथ दिलाएंगे, या फिर अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे ये इनको शपथ दिला सकते हैं। इसके अलावा जब भी ये अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो ये हमेशा अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे, वो भी अपने हैंड राइटिंग में, यानी कि अपने सिग्नेचर किया हुआ ये अपना त्याग पत्र हमेशा वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। इसके अलावा आगे देखेंगे राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते के बारे में। तो इस समय जो इनका वेतन है ये 5 लाख प्रतिमाह हो गया है, जो कि अभी एक साल पहले केवल 1.5 लाख रुपए था। बाद में संसद ने एक बिल बनाकर इनके साथ कई और लोगों की जो आय है उसको बढ़ा दिया। इसके साथ जानिए कि जो इनका वेतन होता है ये इनकम टैक्स से इसको छूट मिलती है। जो इनकम टैक्स लगेगा उस वो इनके जो आय है उन पे नहीं लगेगा। रिटायर होने के बाद यानी कि 5 साल बीतने के बाद इनको पेंशन भी मिलती है, और इसके अलावा मुफ्त चिकित्सा सुविधा और कई और भी सुविधाएं मिलती हैं। इसके साथ इनको सुसज्जित मुफ्त आवास और अन्य तरह के भत्ते भी दिए जाते हैं रिटायर होने के बाद। अब देखेंगे महाभियोग। चूंकि जब राष्ट्रपति एक संविधान के थ्रू इनका अपॉइंटमेंट हुआ है तो अगर ये संविधान की अवहेलना करते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं, तो इन पे महाभियोग भी लगाया जा सकता है। महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है और ये लिया गया है अमेरिका से। अमेरिका से लिया गया है महाभियोग, और ये भारत में जो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है ये है अनुच्छेद 61 के तहत इसे बताया गया है। अनुच्छेद 61 में ये बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति
संविधान का उल्लंघन करते हैं। मतलब कि संविधान का उल्लंघन का मतलब ये है कि संविधान में जो जैसे कहा गया है वैसा नहीं करते हैं, तो इन पे महाभियोग लाया जा सकता है। महाभियोग लाने का ये मतलब है कि 5 साल से पहले इनको अपने पद से हटा दिया जाएगा, और महाभियोग को लाने के लिए किसी भी सदन में आप ला सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। डिफरेंस केवल इतना है कि अगर आप इसे लोकसभा में लाएंगे तो कम से कम 50 लोगों के साइन होने जरूरी हैं, अगर आप 100 लोगों के, और अगर आप राज्यसभा में लाते हैं तो 50 लोगों के 50 सिग्नेचर होने जरूरी हैं, जो कि सपोर्ट करते हों कि इनमें महाभियोग लाना है। क्योंकि आप देखेंगे कि लोकसभा में 550 लोग हैं, राज्यसभा में 250 लोग हैं, तो सभी लोग तो मतलब हटाने के पक्ष में होंगे नहीं, लेकिन कम से कम 100 लोगों को होना जरूरी है। अगर इससे कम लोग होते हैं तो इन पे महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई जाएगी। इसके अलावा ये जानिए कि जो महाभियोग इन पे चलाने की प्रक्रिया होती है, इससे 14 दिन का इनको नोटिस दिया जाता है। 14 दिन पहले इनको एक नोटिस दे दी जाएगी, और इस 14 दिन के बाद जो कार्रवाई चलेगी लोकसभा या फिर राज्यसभा में, उसमें ये खुद उपस्थित होकर या फिर अपने किसी व्यक्ति को वहाँ पे उपस्थित करा के अपना बचाव कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब 14 दिन का इनको नोटिस मिल जाती है तो वहाँ पे एक प्रक्रिया चलती है। अगर वो लोकसभा से शुरू हुआ हो तो इससे पहले लोकसभा में पास कराया जाता है, अगर लोकसभा में ये स्पेशल बहुमत के साथ पास हो जाता है तो इसे राज्यसभा को भेजा जाएगा। राज्यसभा में स्पेशल बहुमत के साथ पास होने के बाद ही इनको अपने पद से मुक्त मान लिया जाता है। एक चीज़ और जानिए कि जो ये महाभियोग की प्रक्रिया होती है, अगर किसी भी राष्ट्रपति पर ये महाभियोग की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है तो इसे किसी भी न्यायालय में अपील नहीं किया जा सकता। मतलब कि इसके लिए आपकी कोई भी कोर्ट नहीं जा सकते, अगर आप पे महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो गई तो आपको हटना ही होगा, ये कहा गया है संविधान में। और जो संविधान है उसमें ये भी बताया गया है आर्टिकल 56 और 61 में कि राष्ट्रपति को हटाने की और कोई कारण नहीं हो सकता, और कोई प्रक्रिया नहीं है, केवल एक ही प्रक्रिया है और वो है महाभियोग। तो ये बताया गया है आर्टिकल 55 और 56 में। अब देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ के बारे में कि आखिर जो राष्ट्रपति हैं ये भारत के पहले व्यक्ति माने जाते हैं, तो इनके पास शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। देखा जाए तो इनमें कई तरह की अलग अलग शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि सैन्य शक्ति, कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति। तो एक एक शक्तियों को हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कार्यकारी शक्ति के बारे में कि इनके पास कौन कौन सी कार्यकारी शक्ति होती है। तो देखिए, पहली कार्यकारी शक्ति ये होती है कि जो अनुच्छेद 53 में ये बताया गया है कि जो संघ की कार्यपालिका होगी वो इसके हेड होंगे। संघ मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि बिना इनके सिग्नेचर का कोई भी कानून नहीं बनेगा, तो ये बताया गया है आर्टिकल 53 में। उसके बाद से अगला जो इनको पावर मिलता है कार्यकारी शक्तियों में, इनको मिलता है 77 और 299 में। इसके अनुसार क्या है कि भारत सरकार किसी भी देश से कोई भी संधि, युद्ध, समझौता ये जो भी करेगी ये हमेशा राष्ट्रपति के नाम पर होगा। ऐसा नहीं है भले प्रधानमंत्री करते हैं, केंद्रीय कैबिनेट करती है, लेकिन जो नाम पे होगा, जो फाइल आप देखते हैं आदान प्रदान का, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे होता है। इसके अलावा जो मंत्रिमंडल का निर्माण है, ये भी इसके भी निर्माण में राष्ट्रपति का एक अहम रोल होता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो लोकसभा के मेंबर हैं ये 550 लोग चुन करके जाते हैं, तो इनमें एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले ये लोग जब तक शपथ नहीं लिए हैं तब तक इसमें से एक व्यक्ति को, इसी में से एक व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का मतलब ये होता है कि ये जो व्यक्ति होगा ये सभी व्यक्तियों को शपथ दिलाएगा, और प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति खुद शपथ दिला देते हैं। अब ये जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं संसद में, जो लोकसभा है उसमें बैठेंगे, और सभी 549 लोगों को, क्योंकि ये तो शपथ ले चुके हैं जो भी लोग उस बार जीत करके आए हैं, जितने भी 530 40, क्योंकि कई बार कई सीटों पर इलेक्शन कैंसिल कर दिए जाते हैं, तो जितने लोग भी गए हैं उनको ये शपथ दिलाने का काम होगा प्रोटेम स्पीकर का। प्रोटेम स्पीकर के शपथ दिलाने के बाद अब इसमें से जो बहुमत, जिस दल को बहुमत मिला होगा, मतलब कि जिस दल के पास 272+ होगा, एक को मिलाकर या फिर कई को जोड़ करके, ये सभी लोग अगर अपना दावा राष्ट्रपति के पास करते हैं
तो उनके नेता को, जो जिसको पार्टी नेता चुनेगी, उनको जो राष्ट्रपति होते हैं प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर के रूप में। जरूरी नहीं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये इसमें चुन करके ही आए हों, ये प्राइम मिनिस्टर इनसे बाहर के भी हो सकते हैं। इसके अलावा जब प्राइम मिनिस्टर को ये नियुक्त कर देते हैं, उनको शपथ दिला देते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के अलावा जो भी मंत्रिमंडल होता है, जो भी, तो ये प्राइम मिनिस्टर मतलब कि प्रधानमंत्री के कहने पर जिन व्यक्ति को प्रधानमंत्री कहेंगे उनको वो वाला शपथ दिलाया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक जो अनुच्छेद 78 है, अनुच्छेद 78 में इनको एक स्पेशल पावर मिलता है कि जो भी काम होगा तो प्रधानमंत्री का ये दायित्व तो है कि सभी काम की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपें। मतलब कि जो केंद्रीय कैबिनेट होगी और जो राष्ट्रपति होंगे, इनके बीच की कड़ी कौन है? प्रधानमंत्री। इसके अलावा जो भी मंत्री नियुक्त होंगे, उनको नियुक्त करने की तथा उनको पद से मुक्त करने की शक्ति हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होगी। मतलब कि किसी भी मंत्री को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको उनके मंत्रिमंडल पद से हटा सकते हैं, हटा सकते हैं। ये इनको स्पेशल पावर है, इसके लिए कोई कारण होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये मंत्री जी खुद इस्तीफा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो राष्ट्रपति कार्रवाई करके इनको मंत्री पद से हटा देंगे और इसके लिए आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। तो ये होता है। इसके बाद आयोग के गठन की शक्ति, तो ये मिलता है इनको एक स्पेशल पावर। इसमें क्या होता है कि जो भी बड़े बड़े आयोग बनाने होंगे, ये आयोग के गठन करने की शक्ति मिलती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अब देखेंगे इनके कुछ विधायी शक्तियों को, क्योंकि अभी तक जो हम देख रहे थे ये थी इनकी कार्यकारी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ भी इनकी स्पेशल हैं क्योंकि ये भारत के राष्ट्रपति हैं। विधायी शक्तियों में देखेंगे कि ये जो प्रेसिडेंट है, ये संसद का अभिन्न अंग होते हैं, ये अनुच्छेद 79 में बताया गया है। मतलब कि 79 में ये कहा गया है कि जो संसद है उसमें राष्ट्रपति भी समाहित है। मतलब कि इसको लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को जोड़ने के बाद ही एक संसद कंप्लीट बनेगी। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। मतलब कि जब शुरू शुरू में जब भी एक मीटिंग बुलाई जाती है तो ये अधिकार केवल और केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी राष्ट्रपति को ही मिलती है। देखिए होता क्या है कि अगर समय से पहले या फिर समय पर भी लोकसभा को भंग करने के लिए इनको अप्रूवल मिल जाता है केंद्रीय कैबिनेट से, मतलब कि प्रधानमंत्री के द्वारा, तो ये लोकसभा को समय से पहले भी, यानी कि 5 साल से पहले भी भंग कर सकते हैं। तो ये मिलता है इनको आर्टिकल 85 के तहत। ये आर्टिकल 85 है, इसके तहत ये संसद को बुला सकते हैं, उसको भंग कर सकते हैं। इसके अलावा इनको और एक पावर मिलता है कि ये दोनों सदनों को संयुक्त रूप से एक साथ संबोधित कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जब एक नई गवर्नमेंट चुन करके आती है तो वहाँ पे राष्ट्रपति का एक अभिभाषण होता है और उसमें दोनों सदन के लोग एक साथ बैठते हैं। तो ये होता है आर्टिकल 87। आर्टिकल 87 के तहत ये बताया गया है कि जो राष्ट्रपति होंगे उनको पावर होगा ये दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर सके। हालांकि ये अलग बात है कि जो आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त सेशन बुलाया जाता है, उसमें प्रेसिडेंट और जो अध्यक्ष हैं वो नहीं होते हैं, हमेशा इसका अध्यक्ष लोकसभा का स्पीकर होता है। अब देखेंगे इसमें से कुछ और शक्तियों के बारे में। तो संसद के सदस्यों की मनोनयन की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। जैसे कि आप देखेंगे कि लोकसभा में 2 लोगों को और राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करने की शक्ति हमेशा राष्ट्रपति के पास होती है। प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की शक्ति भी इन्हीं को होती है। जैसे कि कोई बजट बीच में पेश करना है, जैसे कि अनुपूरक बजट, वार्षिक बजट, तो कोई भी बजट या फिर कोई भी बिल पेश करने से पहले आपको राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होती है। इसे हम कहते हैं प्रतिवेदन। तो इसके अलावा जो भी धन विधेयक और स्पेशल जो धन के संबंधित होते हैं उनके लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी होती है। तो ये है राष्ट्रपति के कुछ पावर, और अभी हम देख रहे थे विधायी शक्तियों को। अब देखेंगे राष्ट्रपति के वीटो अधिकार को, क्योंकि राष्ट्रपति को कई वीटो अधिकार मिलते हैं। वीटो का मतलब ये होता है कि ना तो हम किसी बिल को हाँ कहेंगे, ना तो हम उस बिल को ना कहेंगे। मतलब कुछ नहीं करना, उस बिल को वहीं पे रोक देना,
यह है वीटो पावर। तो देखिए वीटो पावर में भी राष्ट्रपति को तीन तरह के वीटो मिलते हैं, जिसमें से पहला है पूर्ण वीटो। पूर्ण वीटो का मतलब कि जब राष्ट्रपति हैं उस बिल को रोक लेंगे। जैसे होगा क्या कि कोई भी बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगी, और अगर राष्ट्रपति उस पर पूर्ण वीटो लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर उसे रोक लेंगे। यहाँ पे दूसरा होता है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में क्या होता है कि अगर वो धन विधेयक नहीं है, धन विधेयक नहीं है मतलब कि अगर धन विधेयक होगा तब तो साइन करनी ही पड़ेगी, लेकिन अगर वो धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति उसको तुरंत वापस कर देते हैं, और उस किसको वापस कर देंगे, संसद के पास, और कहेंगे कि इसको आप एक बार फिर से पुनर्विचार करके भेजिए। तो ये होता है निलंबनकारी वीटो। जो तीसरा होता है ये इसको हम कहते हैं जेबी वीटो, और जेबी वीटो में भी कुछ उसी तरह का मामला है, लेकिन इसको एक नया नाम दिया जाता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो का एक बार प्रयोग किया गया है, और ये किया गया था 1986 में, और ये भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम आया था, और इस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति ने भारत के इतिहास में कब अपना वीटो पावर का प्रयोग किया था। तो ये किए थे 1986 में, और कौन सा संशोधन था, तो भारतीय डाकघर, ये संशोधन में जो ज्ञानी जैल सिंह थे उन्होंने वीटो पावर का प्रयोग किया था। इन्होंने ना तो ना कहा ना तो हाँ कहा, इसको अपनी जेब में रख दिया, इसी को हम कहते हैं पॉकेट वीटो। इसके अलावा देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है अलग से। अध्यादेश जारी करने की शक्ति इनको मिलती है आर्टिकल 123 के तहत, मतलब कि 123 के तहत। इसमें होता क्या है कि जब भी जो लोकसभा है और राज्यसभा है इसका सेशन नहीं चल रहा होगा और उस समय किसी भी मुद्दे पे कानून बनाना जरूरी है, तो उस समय जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है केवल राष्ट्रपति को मिलती है। अब जो ये अध्यादेश जारी होगा, मान लीजिए कि जुलाई का महीना चल रहा है, ठीक, कोई भी सेशन नहीं चल रहा है और अगला सेशन होगा दिसंबर में या फिर नवंबर में, इस समय किसी भी मुद्दे पे कानून बनाना जारी है, तो राष्ट्रपति अपना एक आदेश जारी करेंगे और ये आदेश कानून होगा। वैसे तो आप देखेंगे कि कानून बनाने के लिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों की जरूरी है, लेकिन यहाँ पे जब लोकसभा और राज्यसभा नहीं है तब राष्ट्रपति एक आदेश जारी करेंगे और ये कानून बन जाएगा। ये कानून कब तक रहेगा, तो दिसंबर में, जब तक संसद चालू नहीं हो जाती है तब। जब दिसंबर में संसद चालू होगी तो जो ये कानून है इसे इस संसद में पास कराया जाएगा। संसद करने का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा में। अगर ये पास नहीं होता है तो उस संसद के, मतलब कि दिसंबर के 6 सप्ताह बाद, 6 सप्ताह बाद ऑटोमेटिक ये जो ये बिल है ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। अगर ये पास हो जाती है तो ये कानून बनी रहेगी। तो ये होता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा इसका आर्टिकल, ये होता है 123। आगे बढ़ें तो इनके पास कुछ सैन्य शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि ये तीनों जो सेनाएँ होती हैं थल, जल और वायु, इनके सर्वोच्च सेनापति होते हैं। ये इनके पास एक स्पेशल पावर है सैन्य शक्तियों को लेकर के। इसके अलावा इनके पास न्यायिक शक्ति होती है। न्यायिक शक्ति कहने का ये मतलब कि आर्टिकल 124 के तहत ये न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको नियुक्त करने का अधिकार होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ये इनके पास एक न्यायिक शक्ति होती है। तो अब देखेंगे राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियाँ हैं, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति के पास जो भी आपातकालीन शक्तियां हैं इसको भाग 18 में बताया गया है। यहाँ पे मुख्य रूप से तीन शक्तियां हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। हालांकि 52 से लेकर 60 तक इन सभी में के बारे में उसी में बताया गया है, लेकिन तीन स्पेशल तौर पर हैं जो आपके परीक्षा में भी पूछी जाती हैं। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की, जो होता है 352। 352 को तभी लगाया जा सकता है जब राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा कर चुके हैं, युद्ध की, या फिर कहीं से बाह्य आक्रमण हुआ है,
या फिर देश में कहीं सशस्त्र विद्रोह हुआ है, तो इस कंडीशन में वहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का जो आदेश होता है केवल राष्ट्रपति का होगा, हालांकि केंद्रीय कैबिनेट की अप्रूवल जरूरी है, और इसके अलावा ये पूरे देश में या फिर देश के किसी भाग में लगाया जा सकता है। इसके बाद जो दूसरा होता है ये होता है राष्ट्रपति शासन, जो कि राज्यों में लगाया जाता है, इसे राज्य शासन भी बोलते हैं। ये होता है अनुच्छेद 356 के तहत, और इसमें ये होता है कि किसी भी राज्य में जब वहाँ की वहाँ पे कोई भी पार्टी मतलब मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में ना हो, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और इसमें होगा क्या कि उस राज्य में सीधे प्रेसिडेंट रूल द्वारा केंद्र सरकार रूल करती है। तो ये होता है 356। सबसे पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था ये लगाया गया था पंजाब में। उसके बाद सबसे ज़्यादा बार पूछ लिया जाए तो यूपी है, केरल है। इसके अलावा और भी राष्ट्रपति शासन से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति शासन के लिए स्पेशल एक वीडियो अपलोड है, आप यहाँ पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। अगला होता है वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल होता है अनुच्छेद 360 के तहत। वित्तीय आपातकाल में क्या होता है कि यहाँ पे अगर देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब हो जाती है तो यहाँ पे वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। हालांकि ये सौभाग्य की बात है कि भारत में आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। अब देखेंगे कुछ राष्ट्रपतियों के नाम, क्योंकि इनसे कई क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनते हैं, और ये लोगों का जो टाइम पीरियड है ये भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है। हालांकि जो क्वेश्चन बनते हैं हम आपको इसी समय बताते रहेंगे। पहले हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनका टाइम पीरियड आप देखेंगे कि लगभग 12 साल का है, यानी कि ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लगातार 2 बार राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा किया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले मतलब कि उनका नाम बताइए जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं, तो ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हालांकि इसके पहले ये जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष भी थे अस्थाई वाले। उसके बाद आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि इससे पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में इनको प्रमोट करके राष्ट्रपति बनाया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनका नाम बताइए जो सबसे पहले उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति बने, तो ये हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इनके नाम पे हम हर साल 5 सितंबर को कुछ मनाते हैं, और ये क्वेश्चन होगा आपके लिए, कमेंट करके बताइएगा, छोटा सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ें तो जाकिर हुसैन, ये रहे करीब करीब 2 साल तक, और पहले मुस्लिम व्यक्ति थे ये डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जो कि राष्ट्रपति के पद तक पहुँचे, तो ये भी आपको याद रखना है, पहले मुस्लिम व्यक्ति। बीबी गिरी कुछ समय तक रहे, ये कार्यवाहक रहे, बाद में मोहम्मद हिदायतुल्ला थे जो कि कोर्ट से गए थे, फिर बीबी गिरी आते हैं 5 साल के लिए। उसके बाद से फखरुद्दीन अली अहमद, ये भी रहे 3 साल तक। बी डी जट्टी कुछ समय तक। नीलम संजीव रेड्डी 5 साल। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, ये भी करीब करीब 5 साल। और इन्हीं के समय में 1986 में एक बार पॉकेट बीटो का प्रयोग किया गया था। आर वेंकट रमन, ये रहे 87 से लेके 92 तक। इसके अलावा देखेंगे कुछ और, तो शंकर दयाल शर्मा, ये हैं 1992 से 97 तक, और इसी समय बाबरी मस्जिद गिरी थी, बाबरी मस्जिद गिरी थी। के आर नारायणन 1997 से 2002, APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007, प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012, प्रणब मुखर्जी 12 से 17, और रामनाथ कोविंद जो कि अभी वीडियो बनाने तक बने हुए हैं 25 जुलाई 2017 से। देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लगातार 2 बार रहा हो लगातार, हालांकि दूसरी बार कई लोग आए, जैसे कि आप देखते हैं बीबी गिरी को, तो इस तरह। लेकिन कुछ समय से हम देखेंगे कि करीब करीब 1970 से लगभग ये रूल बना दिया गया। रूल वैसे कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसे मानना शुरू कर दिया कि किसी भी व्यक्ति को एक बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे। जैसे कि आप किसी का नाम देख सकते हैं, सभी लोगों को बस एक ही बार राष्ट्रपति बनाया गया है। तो ये तो रहा राष्ट्रपति के लिए पूरा कंप्लीट चैप्टर। अब देखेंगे कि आपने इस वीडियो में इतने बड़े चैप्टर में क्या सीखा है, क्योंकि आपके सामने सवाल आने वाले हैं और आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा कमेंट बॉक्स में।
इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं, आप जब भी देख रहे हैं अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि बताइए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब जो राष्ट्रपति को हम रखते हैं किस आर्टिकल के तहत रखते हैं, ये आपको बताना है। और आप जरूर कमेंट करके बताइए अगर आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखा है। तो ये होता है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत के लिए एक प्रेसिडेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है इसमें कौन कौन भाग लेता है, ये पूछा गया है। तो ये आप इसमें से देखेंगे तो सभी लोग होंगे, क्योंकि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के तो लेंगे ही लेंगे, और ये जो मनोनीत सदस्य हैं ये नहीं लेते हैं। ये केवल इसमें गलत टाइपिंग है, मतलब आपको बता दें इसमें टाइपिंग में मिस्टेक है कुछ। तो लोकसभा, राज्यसभा और जो विधानसभा के मेंबर होते हैं निर्वाचित, वो इसमें भाग लेते हैं, हालांकि इसमें से भी निर्वाचित लोग ही भाग लेंगे। अगला है कि राष्ट्रपति का पद किस राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी जरूरी है। तो 35 साल की आयु तो पूरा होना ही चाहिए। राज्यसभा का सदस्य चुने योग्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे राज्यसभा नहीं लोकसभा होता है। भारतीय नागरिक होना ही चाहिए, यानी कि आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है। राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है। तो जब कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तब तो खाली हो ही जाएगा, त्याग पत्र दे देंगे तब भी खाली हो जाएगा। और यह है कि सिर्फ महाभियोग से शुरू होने पे, तो ये गलत है, सिर्फ महाभियोग से नहीं होता है, महाभियोग से हो सकता है लेकिन सिर्फ लगा करके ये ऑप्शन गलत हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है, राष्ट्रीय आपात की बात की जा रही है। तीन तो आपातकाल लगते हैं, 352, 356 और 360। तो राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था करें तो ये है 352, मतलब कि बाह्य आक्रमण, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, तो इन सब कंडीशनों में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। 356 कब लगाया जाएगा, तो किसी भी स्टेट में लगाया जाता है जिसको हम राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। 360 ये वित्तीय आपातकाल होता है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो कार्यपालिका का अध्यक्ष हमेशा और हमेशा राष्ट्रपति होंगे, भले ये केवल एक कहने के लिए अध्यक्ष हैं लेकिन ये अध्यक्ष होते हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा काम इन्हीं के नाम पे होता है। भारतीय सशस्त्र नेताओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, सशस्त्र सेनाओं का। तो इस सर्वोच्च पूछा गया है, सबसे ऊंचा, तो ये हमेशा होंगे राष्ट्रपति, ये अंतिम होंगे। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देख सकता है। तो अगर इनके चुनाव में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये देखेगा हमेशा और हमेशा सुप्रीम कोर्ट। इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट के अलावा और किसी भी कोर्ट में आप नहीं जा सकते। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। प्रतिनिधि आनुपातिक मतलब कि वो व्यक्ति कितने लोगों का प्रतिनिधि कर रहा है, ये तो ये होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है। तो यहाँ पे हम रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको बता दें कि इस तरह जो थ्योरी है, इस तरह के कई वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप जाके देख सकते हैं। ये एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा इनको चुना जाता है, जनता के द्वारा ये वोट नहीं दिए जाते हैं, ये एकल सिस्टम द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से हैं, सभी जो हमने आपको बताया है। तो लोकसभा में केवल 2 को, राज्यसभा में कितना, तो राज्यसभा में 12 को। निम्नलिखित में से कौन है जो विधायकी सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है। तो ये पावर केवल और केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिलता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो ये होता है 5 साल के लिए, 5 साल भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव 5 साल के लिए होता है। चलिए कमेंट करके आप बताइएगा अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, क्योंकि ये चीज़ हमने आपको इस वीडियो में बताया है।
भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो ये हटाया जाएगा संसद के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा। देखिए एक चीज़, एक फैक्ट छूट रहा था उसको हम बता देते हैं। होता क्या है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसमें आप देखेंगे कि लोकसभा, राज्यसभा और हर जगह के एमएलए भाग लेते हैं जो निर्वाचित होते हैं, लेकिन जब इनको हटाना होगा तो एमएलए का कोई रोल नहीं है, केवल लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के इनको हटा देगी। अगला क्वेश्चन कि संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? तो ये महाभियोग की बात की गई है, तो ये किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। लोकसभा में करेंगे तो 100 लोगों के सिग्नेचर होने चाहिए, राज्यसभा में करेंगे तो 50 लोगों के सिग्नेचर होने जरूरी हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस तरह की ढेर सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।